परिचय। बच्चों, आज हम त्रिविमीय ज्यामिति को जानेंगे। क्या तुम जानते हो कि त्रिविमीय ज्यामिति क्या होती है? सर, त्रिविमीय ज्यामिति में हम x, y तथा z अक्ष पर गणना करते हैं। बहुत अच्छा। और इन तीन अक्षों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? सर, अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक कहा। तो आओ इस पाठ में त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पाठ में आप त्रिविमीय ज्यामिति को जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक रेखा का दिक् कोज्या तथा दिक् अनुपात ज्ञात करना। समष्टि में एक रेखा का समीकरण। दो रेखाओं का कोण ज्ञात करना। दो रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी ज्ञात करना। समतल का समीकरण ज्ञात करना। दो रेखाओं की समतलीयता ज्ञात करना। दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना। एक समतल से एक बिंदु की दूरी ज्ञात करना। एक रेखा और एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। एक रेखा की दिक् कोज्या और दिक् अनुपात। यदि एक सरल रेखा x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती हैं, तब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा सरल रेखा की दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। दिक् कोज्याओं को प्रायः एल एम एन के रूप में निरूपित किया जाता है। तीन संख्याएं जो एक रेखा की दिक् कोज्याओं के समानुपाती हैं, एक रेखा के लिए दिक् अनुपात कहलाती हैं। यदि ए, बी तथा सी एक रेखा के दिक् अनुपात हैं, तब ए बराबर लैम्डा एल, बी बराबर लैम्डा एम, सी बराबर लैम्डा एन। एक रेखा की दिक् कोज्याओं के मध्य संबंध। यदि L, M, N एक रेखा की दिक् कोज्याएं हों, तब L वर्ग जमा M वर्ग जमा N वर्ग बराबर होगा एक के। प्रमाण। माना कि O मूल बिंदु है तथा P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक X, Y, Z इस तरह हैं कि OP की लंबाई R है। तब X बराबर LR, Y बराबर एम आर, जेड बराबर एन आर। ओ तथा पी के मध्य दूरी के सूत्र से बराबर वर्गमूल एक्स घटा शून्य वर्ग जमा वाई घटा शून्य वर्ग जमा जेड घटा शून्य वर्ग। अतः एक्स वर्ग जमा वाई वर्ग जमा जेड वर्ग बराबर आर का वर्ग। इसे समीकरण एक से चिन्हित करें। प्रतिस्थापित करने पर x बराबर एल आर, वाई बराबर एम आर, जेड बराबर एन आर। हम पाते हैं एल आर वर्ग जमा एम आर वर्ग जमा एन आर वर्ग बराबर आर वर्ग। एल वर्ग आर वर्ग जमा एम वर्ग आर वर्ग जमा एन वर्ग आर वर्ग बराबर आर वर्ग। एल वर्ग जमा एम वर्ग जमा एन वर्ग बराबर एक। दिक् अनुपातों के पदों में दिक् कोज्याएं। एल बराबर धन ऋण ए बटा ए वर्ग जमा बी वर्ग जमा सी वर्ग का वर्गमूल। एम बराबर धन ऋण बी बटा ए वर्ग जमा बी वर्ग जमा सी वर्ग का वर्गमूल। एन बराबर धन ऋण सी बट दो बिंदुओं से गुजरने वाली दिक् कोज्याएं। माना कि एल एम एन रेखा पी एक पी दो की दिक् कोज्याएं हैं एवं ये एक्स वाई तथा जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती हैं। दिक् कोज्याएं निम्नानुसार दी गई हैं।
एल बराबर कॉस अल्फा बराबर एक्स दो घटा एक्स एक बटा डी, एम बराबर कॉस बीटा बराबर वाई दो घटा वाई एक बटा डी, एन बराबर कॉस गामा बराबर जेड दो घटा जेड एक बटा डी, डी बराबर वर्गमूल एक्स दो घटा एक्स एक वर्ग जमा वाई दो घटा वाई एक वर्ग जमा जेड दो घटा जेड एक वर्ग। उदाहरण, दो बिंदुओं एक आठ घटा पांच तथा घटा दो घटा नौ पांच से गुजरने वाली रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात कीजिए। हल, माना कि डी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है एवं इसका मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। डी बराबर वर्गमूल एक्स दो घटा एक्स एक वर्ग जमा वाई दो घटा वाई एक वर्ग जमा जेड दो घटा जेड एक वर्ग। डी बराबर वर्गमूल घटा दो घटा एक वर्ग जमा घटा नौ घटा आठ वर्ग जमा पांच वर्ग। डी बराबर वर्गमूल घटा तीन वर्ग जमा घटा सत्रह वर्ग जमा दस वर्ग। डी बराबर वर्गमूल नौ जमा दो आठ नौ जमा सौ। डी बराबर 398 का वर्गमूल। डी बराबर 19.94। दिक्कोज्याओं को इस प्रकार दिया जाता है, एल बराबर घटा तीन बटा 19.94, एम बराबर घटा 17 बटा 19.94, एन बराबर 10 बटा 19.94। समष्टि में रेखा का समीकरण, एक दिए गए सदिश V के समानांतर तथा एक दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। रेखा L पर बिंदु P शून्य चयन कीजिए तथा अशून्य सदिश V रेखा के समांतर है। रेखा L सदिश V के समांतर तथा P शून्य से गुजरने वाली अद्वितीय रेखा है। अब P रेखा L में है यदि और केवल यदि सदिश P शून्य P सदिश V के समानांतर है। अतः सदिश P शून्य P बराबर सदिश OP घटा सदिश OP शून्य बराबर सदिश R घटा सदिश R शून्य। कुछ अदिश T के लिए यह स्थिति सदिश R घटा सदिश R शून्य बराबर T सदिश V के बराबर है। समीकरण, सदिश R घटा सदिश R शून्य बराबर T सदिश V रेखा L का सदिश समीकरण कहलाता है। रेखा का कार्तीय समीकरण, माना कि बिंदु P शून्य के निर्देशांक x1 y1 z1 हैं तथा रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी हैं और बिंदु P के निर्देशांक x y z हैं, तब रेखा L के कार्तीय समीकरण हैं x घटा x1 बटा a बराबर y घटा y1 बटा b बराबर z घटा z1 बटा c, एवं यदि L m n रेखा L के दिक्कोज्य हैं तब कार्तीय समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, x घटा x1 बटा L बराबर y घटा y1 बटा m बराबर z घटा z1 बटा n। दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, माना कि सदिश रेखा L पर a b तथा r के क्रमशः a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 तथा p x y z धनात्मक सदिश हैं, तब रेखा L का सदिश समीकरण है
सदिश आर बराबर सदिश ए जमा लैम्डा सदिश पी घटा सदिश ए। लैम्डा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। रेखा के कार्तीय समीकरण। रेखा एल का कार्तीय समीकरण x घटा x1 बटे x2 घटा x1 बराबर y घटा y1 बटे y2 घटा y1 बराबर z घटा z1 बटे z2 घटा z1। उदाहरण, सदिश तीन कैप i जमा दो कैप j घटा कैप के समानांतर तथा एक दो तीन से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है, सदिश v बराबर तीन कैप i जमा दो कैप j घटा कैप k, r शून्य बराबर एक दो तीन बराबर कैप i जमा दो कैप j जमा तीन कैप k। अतः रेखा का सदिश समीकरण r बराबर कैप i जमा दो कैप j जमा तीन कैप k जमा t तीन कैप i जमा दो कैप j घटा कैप k बराबर एक जमा तीन t कैप i जमा दो जमा दो t कैप j जमा तीन घटा t कैप k। दो रेखाओं के बीच का कोण, माना कि L1 तथा L2 क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 दिक अनुपातों के साथ मूल बिंदु O से होकर गुजरने वाली रेखा है। माना कि P रेखा L1 पर कोई बिंदु है तथा Q रेखा L2 पर कोई बिंदु है, तब दो दिक रेखाएं OP तथा OQ हैं। माना कि थीटा OP तथा OQ के मध्य एक न्यून कोण है, तब कोण थीटा निम्नानुसार दिया जाता है। cos थीटा बराबर मापांक A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 बटा वर्गमूल A1 वर्ग जमा B1 वर्ग जमा C1 वर्ग गुणा वर्गमूल A2 वर्ग जमा B2 वर्ग जमा C2 वर्ग। माना कि रेखा L1 के लिए दिक को जियाएं L1 M1 N1 तथा रेखा L2 के लिए दिक को जियाएं L2 M2 N2 हैं, तब कोण थीटा को निम्नानुसार दिया जाता है। cos थीटा बराबर मापांक L1 L2 जमा M1 M2 जमा N1 N2। महत्वपूर्ण बिंदु, यदि रेखा लंबवत है इसका तात्पर्य है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तब A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 बराबर शून्य। यदि रेखा लंबवत है इसका तात्पर्य है कि यदि थीटा बराबर शून्य डिग्री है तब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यदि दो रेखाओं को इस प्रकार दिया जाता है, सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लैम्डा सदिश B1, सदिश R बराबर सदिश A2 जमा म्यू सदिश B2, तब cos थीटा बराबर मापांक सदिश B1 गुणा सदिश B2 बटा मापांक सदिश B1 गुणा सदिश B2। कार्तीय रूप में दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा निम्नानुसार दिया जाता है, cos थीटा बराबर मापांक A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 बटा वर्गमूल A1 वर्ग जमा। उदाहरण, रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करें, सदिश R बराबर कैप I जमा 5 कैप J घटा 7 कैप K जमा
लेम्डा 2 कैप आई घटा 3 कैप जे जमा 6 कैप के। सदिश आर बराबर 4 कैप आई घटा 8 कैप जे जमा 2 कैप के जमा लेम्डा 7 कैप आई जमा 5 कैप जे जमा 9 कैप के। हल दिया गया है सदिश आर बराबर कैप आई जमा 5 कैप जे घटा 7 कैप के जमा लेम्डा 2 कैप आई घटा 3 कैप जे जमा 6 कैप के। सदिश आर बराबर 4 कैप आई घटा 8 कैप जे जमा 2 कैप के जमा लेम्डा 7 कैप आई जमा 5 कैप जे जमा 9 कैप के। दिए गए समीकरणों की तुलना निम्न समीकरणों से करने पर सदिश आर बराबर सदिश ए एक जमा लेम्डा सदिश बी एक, सदिश आर बराबर सदिश ए दो जमा म्यू सदिश बी दो। यहां सदिश बी एक बराबर 2 कैप आई घटा 3 कैप जे जमा 6 कैप के। सदिश बी दो बराबर 7 कैप आई जमा 5 कैप जे जमा 9 कैप के। दो रेखाओं के मध्य कोण का मान निम्नानुसार दिया जाता है। कॉस थीटा बराबर मापांक सदिश बी एक गुणा सदिश बी दो बटा मापांक सदिश बी एक गुणा मापांक सदिश बी दो। कॉस थीटा बराबर 2 कैप आई घटा 3 कैप जे जमा 6 कैप के तथा 7 कैप आई जमा 5 कैप जे जमा 9 कैप के डॉट गुणन का मापांक भाग वर्गमूल 4 जमा 9 जमा 36 गुणा वर्गमूल 49 जमा 25 जमा 81। कॉस थीटा बराबर मापांक 14 घटा 15 जमा 54 भाग 7 गुणा 12.44 बराबर मापांक 53 बटा 87.08। थीटा बराबर कॉस इनवर्स 53 बटा 87.08। थीटा बराबर 52.51। दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी दो तिर्यक रेखाओं के बीच की दूरी। यदि दो रेखाएं L1 और L2 तिर्यक हैं अर्थात वे ना ही समानांतर हैं और ना ही प्रतिच्छेदक हैं तब दो तिर्यक रेखाओं के लंबवत एक अन्य रेखा L3 लघुत्तम दूरी की रेखा कहलाती है। यदि PQ रेखा L3 का रेखाखंड है जो दो तिर्यक रेखाओं L1 और L2 से मिलती है तब PQ को L1 तथा L2 के बीच की लघुत्तम दूरी कहा जाता है। यदि दो तिर्यक रेखाएं निम्न हों तब सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लैम्डा सदिश B1, सदिश R बराबर सदिश A2 जमा म्यू सदिश B2, तब लघुत्तम दूरी D है। D बराबर मापांक डॉट गुणन सदिश A2 घटा सदिश A1 एवं मापांक क्रॉस गुणन सदिश B1 तथा सदिश B2 भाग मापांक क्रॉस गुणन सदिश B1 तथा सदिश B2। यदि दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी शून्य है इसका तात्पर्य यह है कि रेखाएं प्रतिच्छेदक हैं या एक ही समतल में हैं। कार्तीय रूप में रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी L1 x घटा x1 बटा A1 बराबर y घटा y1 बटा B1 बराबर z घटा z1 बटा c1। L2 x घटा x2 बटा A2 बराबर y घटा y2 बटा B2 बराबर z घटा z2 बटा c2।
है। पंक्ति अनुसार सारणिक मापांक। प्रथम पंक्ति x2 घटा x1, y2 घटा y1, z2 घटा z1। द्वितीय पंक्ति a1, b1, c1। तृतीय पंक्ति a2, b2, c2। बटा वर्गमूल b1, c2 घटा b2, c1 वर्ग जमा c1, a2 घटा c2, a1 वर्ग जमा a1, b2 घटा a2, b1 वर्ग। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। माना कि दो समांतर रेखाएं L1 तथा L2 निम्नानुसार दी गई हैं। सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लैम्डा सदिश B, सदिश R बराबर सदिश A2 जमा म्यू सदिश B, जहां S स्थिति सदिश A1 के साथ रेखा L1 पर कोई बिंदु है तथा T स्थिति सदिश A2 के साथ रेखा L2 पर कोई बिंदु है एवं सदिश P प्रत्येक रेखा की दिशा है। यदि TP दो रेखाओं के बीच की दूरी है तब TP बराबर मापांक क्रॉस गुणन सदिश B एवं सदिश A2 और सदिश A1 के बीच का अंतर बटा मापांक सदिश P। उदाहरण, रेखाओं L1 तथा L2 के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश का समीकरण निम्नलिखित है। सदिश R बराबर कैप I जमा 3 कैप J जमा 5 कैप K जमा लैम्डा घटा कैप I जमा 2 कैप J जमा 3 कैप K। सदिश R बराबर 2 कैप I घटा कैप J जमा लैम्डा कैप I जमा 4 कैप J जमा 5 कैप K। हल दिया गया है, सदिश R बराबर कैप I जमा 3 कैप J जमा 5 कैप K जमा लैम्डा घटा कैप I जमा 2 कैप J जमा 3 कैप K। सदिश R बराबर 2 कैप I घटा कैप J जमा लैम्डा कैप I जमा 4 कैप J जमा 5 कैप K। दिए गए समीकरण की तुलना निम्न समीकरण से करने पर सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लैम्डा सदिश B1, सदिश R बराबर सदिश A2 जमा म्यू सदिश B2। हम पाते हैं सदिश A1 बराबर कैप I जमा 3 कैप J जमा 5 कैप K सदिश B1 बराबर घटा कैप आई जमा 2 कैप जे जमा 3 कैप के सदिश ए2 बराबर 2 कैप आई घटा कैप जे सदिश बी2 बराबर कैप आई जमा 4 कैप जे जमा 5 कैप के। सदिश ए2 घटा सदिश 1 बराबर कैप आई घटा 4 कैप जे घटा 5 कैप के। अब सदिश B1 तथा सदिश B2 क्रॉस गुणन है, घटा कैप आई जमा 2 कैप जे जमा 3 कैप के क्रॉस कैप आई जमा 4 कैप जे जमा 5 कैप के बराबर सारणिक पंक्ति अनुसार। प्रथम पंक्ति कैप आई कैप जे कैप के, द्वितीय पंक्ति घटा 1 2 3, तृतीय पंक्ति 1 4 पांच बराबर घटा दो कैप आई जमा आठ कैप जे घटा छह कैप के। सदिश बी एक तथा सदिश बी दो के क्रॉस गुणन का मापांक बराबर चार जमा चौसठ जमा छत्तीस का वर्गमूल बराबर एक सौ चार का वर्गमूल। इस प्रकार रेखाओं के समतल। एक समतल की इस तरह की सतह होती है कि इस पर किन्हीं दो बिंदुओं ए बी के लिए पूरा रेखाखंड ए बी पर स्थित होता है, अर्थात रेखाखंड ए बी के
प्रत्येक बिंदु सतह पर स्थित हैं। अभिलंब रूप से समतल का समीकरण। एक समतल पर विचार कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी d है। d शून्य के बराबर नहीं है। यदि सदिश ओ एन मूल बिंदु से समतल पर अभिलंब है तथा कैप n सदिश ओ एन के साथ मात्रक अभिलंब सदिश है तथा माना कि सदिश r समतल पर बिंदु p का स्थिति सदिश है, तब समतल का समीकरण मात्रक सदिश n के साथ सदिश r बराबर d। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। माना कि सदिश r बराबर x कैप i जमा y कैप jz कैप k है। lx जमा my जमा nz बराबर d, जहां l m n कैप n की दिक् कोजाएं हैं। एक दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाले तथा एक दिए गए सदिश के लंबवत समतल का समीकरण। माना कि सदिश A मूल बिंदु O के सापेक्ष समतल पर एक दिए गए बिंदु A का स्थिति सदिश है तथा माना कि सदिश R समतल पर किसी बिंदु R का स्थिति सदिश है। यदि सदिश N समतल का सदिश अभिलंब है, तब सदिश N समतल की प्रत्येक रेखाओं के लिए लंबवत होगा। इसलिए सदिश N सदिश AR के लंबवत है। अतः समतल का समीकरण। सदिश AR और N का डॉट गुणन बराबर शून्य अथवा डॉट गुणन सदिश R घटा सदिश A और सदिश N बराबर शून्य। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण है। माना कि सदिश R बराबर x कैप i जमा y कैप j जमा z कैप k, सदिश A बराबर x1 कैप i जमा y1 कैप j जमा z1 कैप k, सदिश N बराबर A कैप i जमा B कैप j जमा C कैप k, तब डॉट गुणन सदिश R घटा सदिश A और सदिश N बराबर शून्य होता है। A गुणा x घटा x1 जमा b गुणा y घटा y1 जमा c गुणा z घटा z1 बराबर शून्य, जहां a b तथा c समतल के दिक् अनुपात हैं। तीन गैर समरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। यदि R समतल पर स्थित सदिश R के साथ कोई बिंदु है, तब चूंकि A, B, C तथा R एक ही समतल पर हैं, इसलिए AR, AB, AC एक समतल पर हैं। इसलिए डॉट गुणन सदिश AR तथा क्रॉस गुणन सदिश AB और सदिश AC बराबर शून्य, या डॉट गुणन सदिश R घटा सदिश A तथा क्रॉस गुणन सदिश B घटा सदिश A तथा सदिश C घटा सदिश A बराबर शून्य। कार्तीय रूप में यदि सदिश A बराबर x1 कैप i जमा y1 कैप j जमा z1 कैप k, सदिश B बराबर x2 कैप i जमा एक समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। माना कि O मूल बिंदु है तथा OX, OY तथा OZ निर्देशक अक्ष हैं। माना कि समतल A में OX, B में OY तथा C में OZ पर मिलता है, तब OA बराबर A, OB बराबर B तथा OC बराबर C है। इसका तात्पर्य है कि ABC स्थिति सदिश क्रमशः A कैप i जमा शून्य कैप j जमा शून्य कैप k, शून्य कैप i जमा b कैप j जमा शून्य कैप k, शून्य कैप i जमा शून्य कैप j जमा c कैप k। इसका तात्पर्य है
समतल का समीकरण है। एक्स बटा ए जमा वाई बटा बी जमा जेड बटा सी बराबर एक। दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल। हमें ज्ञात है कि सदिश R तथा सदिश N1 दो समतलों का डॉट गुणन बराबर D1 एवं सदिश R तथा सदिश N2 का डॉट गुणन बराबर D2 एक रेखा के साथ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इस रेखा के बिंदु दोनों समतलों के लिए उभयनिष्ठ होते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों समतलों के समीकरण को संतुष्ट करने वाले बिंदु निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं। डॉट गुणन सदिश R तथा सदिश N1 जमा लैम्डा सदिश N2 बराबर D1 जमा लैम्डा D2, जहां लैम्डा R के अंतर्गत है। कार्तीय रूप में यदि सदिश R बराबर x कैप i जमा y कैप j जमा z कैप k, सदिश n1 बराबर a1 कैप i जमा b1 कैप j जमा c1 कैप k, सदिश n2 बराबर a2 कैप i जमा b2 कैप j जमा c2 कैप k, तब समतल का समीकरण है a एक x जमा b एक y जमा c एक z घटा d एक जमा लैम्डा गुणा a दो x जमा b दो y जमा c दो z घटा d दो बराबर शून्य। दो रेखाओं की समतलीयता। यदि दो रेखाएं सदिश R बराबर सदिश a एक जमा लैम्डा सदिश b एक, सदिश R बराबर सदिश a दो जमा म्यू सदिश b दो समरेखीय हैं, तब उनके उभयनिष्ठ तल प्रत्येक सदिशों के समानांतर होने चाहिए। सदिश a दो घटा सदिश a एक सदिश b एक सदिश b दो, अर्थात इन सदिशों को समरेखीय होना चाहिए। अतएव डॉट गुणन सदिश a2 घटा सदिश a1 एवं क्रॉस गुणन सदिश b1 और सदिश b2 बराबर शून्य। कार्तीय रूप में यदि रेखाएं हैं x घटा x1 बटा a1 बराबर y घटा y1 बटा b1 बराबर z घटा z1 बटा c1 तथा x घटा x2 बटा a2 बराबर y घटा y2 बटा b2 बराबर z घटा z2 बटा c2, तब रेखाओं वाले समतल का समीकरण है। पंक्ति अनुसार सारणिक प्रथम पंक्ति x घटा x1 y घटा y1, z घटा z1। द्वितीय पंक्ति a1, b1, c1। तृतीय पंक्ति a2, b2, c2 बराबर शून्य। दो समतलों के बीच का कोण। दो समतलों के बीच के कोण को उनके अभिलंबों के बीच कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। माना कि दो समतलों के बीच का कोण थीटा है, तब डॉट गुणन सदिश R तथा सदिश N1 बराबर D1 तथा डॉट गुणन सदिश R तथा सदिश N2 बराबर D2, तब थीटा दो सदिशों N1 तथा N2 के बीच का कोण है। कॉस थीटा बराबर मापांक डॉट गुणन सदिश N1 तथा सदिश N2 भाग मापांक सदिश N1 मापांक सदिश N2। कार्तीय रूप में यदि थीटा दो समतलों के बीच का कोण है a एक x जमा b एक y जमा c एक z जमा d एक बराबर शून्य तथा a दो x जमा b दो y जमा
सी दो जेड जमा डी दो बराबर शून्य। इसलिए कॉस थीटा बराबर मापांक ए एक ए दो जमा बी एक बी दो जमा सी एक सी दो भाग वर्गमूल ए एक वर्ग जमा बी एक वर्ग जमा सी एक वर्ग गुणा वर्गमूल ए दो वर्ग जमा बी दो वर्ग जमा सी दो वर्ग। एक समतल से एक बिंदु की दूरी सदिश रूप में एक स्थिति सदिश ए से लंब की समतल के लिए लंबाई डॉट गुणन सदिश आर तथा सदिश एन बराबर डी को निम्न प्रकार से दिया जाता है। कार्तीय रूप में एक बिंदु पी एक्स एक वाई एक जेड एक से लंब की समतल के लिए लंबाई ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड बराबर डी नीचे दी गई है। उदाहरण एक बिंदु चार दो घटा एक की समतल से दूरी ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है सदिश ए बराबर चार कैप आई जमा दो कैप जे घटा कैप के सदिश एन बराबर तीन कैप आई घटा चार कैप जे जमा कैप के तथा डी बराबर दस। समतल से बिंदु चार दो घटा एक की दूरी बराबर मापांक बारह घटा आठ घटा एक घटा दस बटा मापांक वर्गमूल नौ जमा सोलह जमा एक बराबर सात बटा वर्गमूल छब्बीस। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण समतल के अभिलंब तथा रेखा के बीच का कोण पूरक होता है। सदिश रूप में यदि रेखा का समीकरण सदिश r बराबर सदिश a जमा लैम्डा सदिश b है एवं समतल का समीकरण सदिश r तथा सदिश n का डॉट गुणन बराबर d है तब समतल के अभिलंब तथा रेखा के बीच का कोण थीटा है अतः समतल तथा रेखा के बीच का कोण फाई निम्नानुसार दिया जाता है 90 घटा थीटा अर्थात साइन 90 घटा थीटा बराबर कॉस थीटा तथा साइन फाई या फाई निम्न है। क्या आप जानते हैं लियोनार्ड यूलर एक स्विस गणितज्ञ तथा एक भौतिक शास्त्री थे तथा उन्होंने त्रिविमीय आकृतियों एवं उनके विश्लेषण में बहुत अच्छा योगदान दिया। उन्होंने विश्लेषणात्मक ज्यामिति त्रिकोणमिति ज्यामिति कलन और संख्या सिद्धांत सहित भौतिकी और गणित की विस्तृत श्रृंखला के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक रेखा की दिक्कोजिया को अक्षों से धनात्मक दिशा के साथ रेखा द्वारा बनाए गए कोण की कोज्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तीन संख्याएं जो एक रेखा की दिक् कोज्याओं के समानुपाती होती हैं रेखा का दिक् अनुपात कहलाती हैं। यदि एल एम एन एक सरल रेखाओं की दिक् कोज्याएं हों तब एल वर्ग जमा एम वर्ग जमा एन वर्ग बराबर एक है। समीकरण सदिश आर घटा सदिश आर शून्य बराबर टी सदिश वी दिए गए सदिश वी तथा दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा एल का एक सदिश समीकरण कहलाता है। कार्तीय रूप में एक्स घटा एक्स एक बटा ए बराबर वाई घटा वाई एक बटा बी बराबर जेड घटा जेड एक बटा सी। यदि रेखा एल पर सदिश ए बी तथा आर क्रमशः ए एक्स एक वाई एक जेड एक बी एक्स दो वाई दो जेड दो तथा पी एक्स वाई जेड के स्थिति सदिश हों तब रेखा एल का सदिश समीकरण है सदिश आर बराबर सदिश ए जमा लैम्डा गुणा सदिश पी घटा सदिश ए लैम्डा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है।
रेखा का कार्तीय समीकरण है x घटा x1 बटा x2 घटा x1 बराबर y घटा y1 बटा y2 घटा y1 बराबर z घटा z1 बटा z2 घटा z1। यदि a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 रेखा के दिक् अनुपात हैं, तब दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण थीटा निम्न द्वारा दिया जाता है। यदि दो त्रियक रेखाएं हैं, सदिश r बराबर सदिश a1 जमा लेमडा सदिश b1, सदिश r बराबर सदिश a2 जमा म्यू सदिश b2, तब रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी d निम्न है। कार्तीय रूप में रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी निम्न द्वारा दी जाती है। दो समानांतर रेखाओं सदिश r बराबर सदिश a1 जमा लैम्डा सदिश p, सदिश r बराबर सदिश a2 जमा म्यू सदिश b के बीच की दूरी निम्न है। दूरी d पर समतल के समीकरण का सदिश रूप है सदिश r गुणा कैप n बराबर d, जहां कैप n समतल के अभिलंब का मात्रक सदिश है। कार्तिक रूप में समतल का समीकरण है lx जमा my जमा nz बराबर d, जहां l, m, n कैप n की दिक् कोजाएं हैं। एक दिए गए सदिश तथा एक दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण है सदिश r घटा सदिश a गुणा सदिश n बराबर शून्य कार्तीय रूप में। a x घटा x1 जमा b y घटा y1 जमा c z घटा z1 बराबर शून्य, जहां a b तथा c समतल के दिक् अनुपात हैं। एक समतल के समीकरण का प्रतिच्छेदक रूप है x बटा a जमा y बटा b जमा z बटा c बराबर एक। यदि रेखाएं x घटा x1 बटा a1 बराबर y घटा y1 बटा b1 बराबर z घटा z1 बटा c1 और x घटा x2 बटा a2 बराबर y घटा y2 बटा b2 बराबर z घटा z2 बटा c2 हैं, तब रेखाओं वाले समतल का समीकरण निम्न होगा। यदि दो समतलों के बीच का कोण थीटा है, तब डॉट गुणन सदिश r और सदिश n1 बराबर d1 तथा डॉट गुणन सदिश r और सदिश n2 बराबर d2, तब थीटा को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक स्थिति सदिश a से लंब की समतल के लिए दूरी सदिश r और सदिश n बराबर d का डॉट गुणन नीचे दिया गया है। रेखा सदिश r बराबर सदिश a जमा लैम्डा सदिश b तथा समतल सदिश r और सदिश n बराबर d का डॉट गुणन है, तो बीच का कोण फाई नीचे दिया गया है।